हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है कि अंडर 100 हम अपना ईद का मेकअप कैसे कर सकते हैं और लास्ट मिनट ईद की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अच्छे से अपना फेस वॉश करना है ताकि आपका जो फेस है वो एकदम से क्लीन हो जाए। फेस वॉश करने के बाद हम अपना टोनर यूज़ करेंगे। आप अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं, रोज़ वाटर। उसके बाद अपना मॉइस्चराइज़र लगाएंगे क्योंकि अपने फेस को हाइड्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होएगा कि ना हमारा जो मेकअप है वो भी ज़्यादा फ्लॉलेस दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने फेस पे कलर करेक्ट करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की डार्कनिंग है या फिर आपकी स्किन डल दिख रही है तो आपको क्या करना है, आपको येलो कलर का करेक्टर लेना है। आप उससे अपने फेस पे करेक्ट कर सकते हैं जिधर भी आपको मतलब अफेक्टेड एरियाज है। उसके बाद आप क्या करना है कि आप अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है तो आपको क्या करना है, आप एक लाइट कंसीलर लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, आप थोड़ा सा डार्क लेंगे। दोनों को मिक्स करेंगे, अच्छे से अपना फेस पे उसको लगाएंगे और हाथों से ब्लेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिपस्टिक ले रही हूँ और उसको एज अ ब्लश लगा रही हूँ क्योंकि गर्मियों का टाइम है और हमारा जो मेकअप है वो गर्मी की वजह से बह जाता है, इसलिए हम यहाँ पे लिपस्टिक को ब्लश यूज़ करेंगे तो ये क्या है, लॉन्ग लास्ट रहेगा। उसके बाद अपने पूरे मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे पॉन्ड्स का जो पाउडर था उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या है कि हमारा जो मेकअप है ना वो सेट रहेगा काफ़ी लंबे टाइम तक, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम लिपस्टिक को मैं अपना ऐसे आई शेडो की तरह यूज़ करूँगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल अपने पूरी आईलिड पे लिपस्टिक को लगा लेना, फिर उसको ब्लेंड कर लेंगे। फिर सेम शेड हम लेंगे अपने पैलेट में से, फिर हम अपने जो हमने लिपस्टिक आई थी उसको सेट कर देंगे ताकि वो इधर उधर फैले नहीं, ठीक है। उसको फिर सेट करने के बाद हम अपना कंसीलर लेंगे। कंसीलर लेने के बाद हम उसको हाफ कट क्रीज ड्रॉ करेंगे। कट क्रीज ड्रॉ करने के बाद जो आपका आउटर एरिया है जहाँ पे अपने कट क्रीज को एंड पे है वहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्क शेड लेंगे, वहाँ पे उसको ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। डार्क शेड लेने के बाद हम अपने आईलिड पे सेंटर ऑफ द लिड पे क्या करेंगे, ग्लिटर लगा लेंगे ताकि एक ग्लिटरी लुक हमें मिल जाए। उसके बाद लोअर लैश लाइन पे मैं सेम अपना वो रेड कलर लगा लूँगी, उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना कॉन्टोर करेंगे फेस को। आप कोई भी पैलेट ले सकते हैं जो आपके पास है, उसे हम अच्छे से अपने फेस को कॉन्टोर करेंगे। और सेम पैलेट में से मैं ब्लश भी यूज़ करी क्योंकि जो हमने लिपस्टिक वाला ब्लश लगाया था उसको सेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो लॉन्ग लास्ट करे, ठीक है। उसके बाद हमारे जितने भी फेस पर पाउडर था हम उसको रिमूव कर देंगे। पाउडर रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर हाईलाइटर लगा रही हूँ। हाईलाइटर लगाने के बाद हम अपना ये किस ब्यूटी का मैं यहाँ पे मस्कारा यूज़ करी। अगर आप अफोर्डेबल आपको अगर मस्कारा चाहिए तो आप ये मस्कारा ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है। देख सकते हैं कि वन कोट में इसने मेरे को बिल्कुल लैशेज। अपना मैं यहाँ पे जेल लाइनर लगा रही हूँ क्योंकि जेल लाइनर ना समर्स में लॉन्ग लास्ट करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे रेड कलर की एक ब्राइट लिपस्टिक लगा रही हूँ। आप कोई भी शेड लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। लिपस्टिक लगाने के बाद हमारा जो फाइनल लुक है वो कंप्लीट हो जाता है और ये है मेरा फाइनल लुक। और आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा।